हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे जो लाफिंग क्रेन होती है पोटोन का, उस लाफिंग क्रेन में कितना एमएम का रोप होती है, होस्टिंग का रोप और लाफिंग जिप का रोप जो कितना एमएम का होती है, इसकी बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न है कि लाफिंग क्रेन में रोप कितना एमएम का होती है, तो आज हम उसी के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक बर्नियर है जो कि कैलिपर्स भी इसको कहते हैं। तो आज हम डायरेक्टली लाइव चेक करके देखेंगे लाफिंग क्रेन का, जो लाफिंग जिप का रोप वो कितना एमएम का होती है और होस्टिंग रोप जो कितना एमएम का होती है, तो इसी के बारे में आज का टॉपिक है। तो हमारे पास जो कैलिपर्स है, हम उसी के थ्रू डायरेक्टली देख लेंगे लाइव कितना एमएम का जो लाफिंग क्रेन का रोप होती है वो कितना एमएम का होती है। तो सबसे पहले जो लाफिंग जिप है, लाफिंग जिप का जो रोप आती है उसको मैंने कैलकुलेट किया, तो उसका जो रोप है, उस रोप का जो एमएम आया है वो है 18 एमएम का। जो अपना लाफिंग जिप का जो रोप है वो 18 एमएम का शो कर रहा है। और जस्ट अभी उसकी बाजू में जो है, जो होस्टिंग रोप, उसको देख लेंगे वो भी कितना एमएम का है। तो होस्टिंग रोप में जब मैंने उसको लगाया, कैलकुलेट किया, तो होस्टिंग का जो रोप है वो 14 एमएम का आया, यानी 14 एमएम का हो गया आपका होस्टिंग का जो रोप है वो, और 18 एमएम का हो गया जो आपका लाफिंग जिप का जो रोप है वो। तो आप बहुत ही आसानी से आप जान चुके होंगे कि लाफिंग क्रेन जो होती है पोटोन का MCR 160 मॉडल का, जो कि 10 टन कैपेसिटी का है, उसका रोप कितना एमएम का होती है। आपको मैं फिर से बोल दूं, ये है एक पोटोन का लाफिंग क्रेन है और इसका जो कैपेसिटी है वो 10 टन का है और इसका जो मॉडल है वो MCR 160 इसका मॉडल है। तो आप जान चुके होंगे कि लाफिंग का जो होस्टिंग का और लाफिंग जिप का जो रोप है वो कितना एमएम का होती है, आपको मैंने आसानी से बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर दे के जाइएगा।